नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन का सफर आ पहुंचा है काकड़ा गांव में। आपको मैं बता दूं, काकड़ा गांव जो है वो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से विधायक है उमेश मलिक, जो कि बीजेपी से हैं। आप सभी को पता होगा 2022 में चुनाव आ रहे हैं, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी के चलते रॉयल बुलेटिन भी हर विधानसभा में जाकर आपको लोगों को राय और नज़रिया बता रहा है। यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूँगा। 2022 में जो चुनाव आ रहे हैं उस पर इन लोगों की क्या राय है और क्या रुझान है? ब्रजपाल, ब्रजपाल जी, 4.5 साल भाजपा हो गए, आप सभी लोग किसान हैं, किसान के अनुसार भाजपा सरकार कैसी रही? भाई, भाजपा किसानों को तो हित की नहीं रही। कैसे हित की नहीं रही? ये जमीन पमीन का भी है, नाम हो गए, भाव दिया 5 साल में ही बढ़ाए 25 रुपये गन्ने पर। हमारा गन्ने का क्षेत्र है तो ये 25 रुपये बढ़ाए गए थे, तो ये चुनाव को देख के बढ़ाए गए थे। वो तो मैं जाना ही, ये तो सरकार जाना है। तो 4.5 साल में आपके अनुसार भाजपा फेल रही है? बिल्कुल हाँ, फेल रही थी बिल्कुल। किसानों का तो कुछ नहीं, खाद वाद सब बढ़ा दिए, खाद वाद का रेट सब हाई कर दिया है, बिजली का भी कर दिया। अब क्या लगता है कौन आना चाहिए 2022 में जो चुनाव है, कौन आना चाहिए फिर? हम तो लोकदल का, मतलब लोकदल को चाह रहा, गठबंधन जो है सपा वाला गठबंधन है, तो गठबंधन आ रहा आपके? हाँ, गठबंधन आ रहा। गठबंधन क्यों आ रहा है? गठबंधन यूँ आ रहा कि फेल हो गया सरकार, जो इन्होंने वादे करे थे मैं पूरे नहीं कर सके। मील की पेमेंट नहीं आती आपकी 15 दिन में? नहीं, 15 दिन में नहीं आती, 2 महीने में आवे, 2-3 महीने में आती। हाँ, मील की। हाँ। और क्या क्या वादे करते जिन पे भाजपा खरी नहीं उतर पाई? गन्ने का भाव बढ़ा रही थी, गन्ने का भाव कैक पैसे बैठे, पैसों में बैठे 25 रुपए, 5 पैसे ही बैठे, 25 पैसे ही साल में। हाँ, 5 पैसा पर साल बढ़ा। हाँ, तो कौन सही रहेगा फिर इस बार? गठबंधन। विधायक जी कैसे हैं आपके? विधायक जी भी ऐसे ही है। विकास कार्य कराते नहीं कराते कुछ? नहीं, कोई नहीं करा विकास, कराते नहीं कराते नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 4.5 साल में आए हैं नहीं आपके क्षेत्र में? नुआ हो जाओ किसी के मरण मोर बस ब्याह भी हूँ, अपने मतलब को आवे, मोर के मतलब को तो आता ही नहीं। विकास कार्य के मतलब की नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? हिमांशु वालियान। हिमांशु जी, युवा हैं आप, रोजगार की समस्या है नहीं है? रोजगार की तो समस्या है जी, यहाँ फिर रेट हल्ली, करने को कुछ है नहीं, क्या करें, इस खेती में बढ़ना पड़ा है, निकालिस इसमें कुछ फायदा नहीं, इसमें निकालिस यही है, भाई नहीं मिल रहा, हम अपना फिर रे कदी पटे लत्ते लत्ते भी नहीं बनते, सलसल दो सलसल हो जा हम तो। कौन सही रहेगा फिर? ये लोकदल, गठबंधन। गठबंधन क्यों सही रहेगा? मायावती जी सही नहीं रहेंगी? मायावती जी तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है मायावती? हाँ जी, वो तो बी पार्टी है बीजेपी की। अच्छा, बी पार्टी है मायावती जी। क्या लगता है फिर कौन आएगा फिर? गठबंधन आएगा आपके अनुसार? हाँ जी। ओमबीर है जी। ओमबीर जी, कैसी रही भाजपा 4.5 साल जी? क्या हिसाब है, भाजपा की सरकार तो आई नहीं, आज लो आई ना हो। क्या कराया सब भाजपा ने? अजी सारा काम, ये रोड देख लो, ये पुल देख लो, कहीं लो चले जाओ भागे। हाँ, इस तो बढ़िया है। 5 पैसा जो भर साल बढ़ा है आपका, उसमें भी खुश है आप? 5 पैसा दिन बढ़िया होगा, यानी 5 रुपए, 5 रुपए साल बढ़िया, 5 रुपए साल बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी? नहीं, क्या दिक्कत है? महंगाई की भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, महंगाई की तो दिक्कत सब ही है, महंगाई हुआ। तो भाजपा क्यों आनी चाहिए फिर? भाई ये तो भाजपा बढ़िया काम कर रही है, वैसे दो काम के आते, हमारा वहाँ लेने में लग जाते पैसे लेने मिल में, डायरेक्ट आ गए यहीं से, एक एक पैसा। नोटबंदी में लाइन में लगे आप? नोटबंदी का हमारे पर नोट थे, नोट तो और के लगे लेन में, हम भी और ने दे दी जा किसी ने, मैं लग रही थी लेन वहाँ से जिनके खाते नहीं थे। तो भाजपा आनी चाहिए आपका अनुसार? हाँ जी, मेरे साहब। विधायक जी कैसे हैं वैसे? विधायक तो डब्लू है, खराब है विधायक, खराब है, कभी नहीं आते क्षेत्र में। अजी क्या मतलब उसका, कुछ कराया नहीं कराया? कुछ भी नहीं। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या लगता है सरकार कैसी रही किसानों के अनुसार? भाई मारे लिए तो बढ़िया रही। कैसे बढ़िया रही? पाप हलाएगा तो सोए। हाँ। ना तो चोर, ना अपहरण, ना डकैत, टाइम पर इतनी बिजली दे रहे जिसकी कोई सीमा नहीं। महंगाई दे रहे? महंगाई तो होगी जब, हमारा भी तो महंगा जा रहा। अगर हमारा महंगा जा रहा है तो हम महंगा क्यों नहीं खरीद देंगे? अगर मंदा हमें ही चाह, सरसों का तेल जो महंगा और सरसों महंगी जा रही है, हो जाओ सरसों बाहुल का दे, क्षेत्र तो गन्ना बाहुल है, गन्ना बाहुल क्षेत्र है। हाँ, गन्ने में तो पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ गए और कितने चाह, थोड़े बढ़ रहे हैं, बतेरे इतने में सुकून है हमें तो। हाँ, हम तो भाई मोदी और योगी को चाह। विधायक जी? विधायक तो सुनना है भाई, जवाब भी नहीं, बेहतरीन। कैसे? बस जब चाहो जब बुला लो, जहाँ चाहो जहाँ बुला लो,
पां फला का सोना उसी की देन नहीं है भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर विधायक ना करता तो क्या योगी और मोदी करते? बढ़िया है भाई विधायक, हाँ। और हमारा सांसद भी इतना बढ़िया, विधायक तो विधायक सांसद सब बढ़िया। संजीव बालिया, हाँ जी, मजेदार, बिल्कुल मजा, दोनों बढ़िया है जी दोनों। धीर सिंह है। धीर सिंह जी, 4.5 साल भाजपा को हो गए प्रदेश में, कैसी रही भाजपा? बढ़िया नहीं रही मेरे हिसाब से तो। क्या बढ़िया नहीं रही, क्या दिक्कत थी? सारी एफडाई नहीं हुई है, जोन सी भी होनी थी भाई। सौ देखिए रोज तो 12 पे थ्री, रोज तो 12 पे थ्री मेरी नु कहते भाई भ्रष्टाचार जुगा तू है, गुंडागर्दी गुंडागर्दी नु की नहीं है भाई। जब 12 पे थ्री गुंडागर्दी कम नहीं है अभी भी? कहाँ गुंडागर्दी कम हो रही है मैं बताओ, कहाँ हो रही? अभी गन्नों पे जो पैसे बढ़ाए थे, हैं गन्ने में पैसे बढ़ाए 4 से 5 साल में बढ़ाए, चुनाव को देखते हुए बढ़ाएंगे? हाँ कहीं को देखते हुए बढ़ाए, चुनाव देखते हुए बढ़ाए। क्या लगता है फिर कौन होना चाहिए? कौन क्या होना चाहिए वो दूसरे को देखेंगे, दो साथ जाओगा कोई साथ, दूसरा कौन सही रहेगा? जाऊंगे अपने वाले जयंत पर सोच रहे हम तो, वहाँ चल पड़े काम को जयंत पर सोच रहे। हाँ विधायक जी कैसे रहे वैसे आपके? विधायक जी भी ऐसे ही रहे, विधायक जी भी पी गए माल उसमें, तो जब वो चले था प्रधान हट गया थोड़े दिन को, उनमें तो पैसा पी गए। विधायक जी तो कुछ नहीं करा विकास कर रहा, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं करा, नहीं मेरे गाँव में तो, आपके गाँव में नहीं करा। हाँ मैं मेरे गाँव की बात कर रहे हैं हम तो, मेरे गाँव में तो कुछ कह नहीं। विधायक जी आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी ये कह रहे हैं विधायक जी ने कोई विकास नहीं कराया? कोई विकास नहीं करा, 4.5 साल कभी आए हैं? हाँ कोई विकास नहीं करा इसने अपने 4.5 साल में यहाँ, बल्कि हमें तो दिखे गाँव में 4.5 साल में 4 बार आया भी नहीं, एक आध बार ही आया होगा कहीं मंगई सड़क पर ही, यंग था नहीं गाँव में, गाँव में नहीं आया अंदर। भाजपा कैसी रही 4.5 साल में? भाजपा हमारे लिए तो कुछ ठीक नहीं रही। क्या क्या समस्या हुई है? हम किसान को सारी समस्या भाजपा थे हमारे लिए क्या करा उन्होंने, 5 साल में 25 रुपये ली बढ़ाई हुई, 5 रुपये साल। कितने दिन में आते हैं आप लोग हैं मिल की पेमेंट? मिल की पेमेंट तो हमारी पहले भी सही आ होती, भी सही आ रही। अच्छा तो कौन सही रहेगा फिर इस बार? हम तो अपने जयंत को देख रहे हैं, सही रोज या गलत रहो, सब देख लेंगे, गलत रहेगा सब भगा देंगे फिर। आप गठबंधन के साथ है? हाँ। क्या नाम है बाबा जी आपका? बलवान सिंह है जी। बलवान सिंह जी कैसी रही भाजपा? भाजपा जी किसानों के लिए तो अच्छी नहीं रही, कई बात ऐसी जिससे हम बहुत दुखी हैं। एक से बछड़े फिरे हैं हमारे खेतों खा रहे, मैं मरते फिरे हम भी मरते फिरे। तो बछड़े जो है वो तो किसानों के बछड़े, और किसानों के बछड़े तो उसका उपचार बंद भी कर दिया, रोक दिया, वो तो खड़ा कर दिया हमारे बाहर, 500-400 रुपये मिल जाते बेच देते, बिक्री बंद हो गई, हमारे खेत चाप गए नुकसान, मतलब बिल बढ़ा दिए, गन्ने पर 5 साल का रुपया ये बढ़ाया, सारे मेरे महंगाई महंगाई बढ़ा दी, हमें दिया कुछ नहीं इस सरकार से, हम दुखी हैं। कौन सही रहेगा फिर? सही तो हम तो जयंत को पकड़ रहे, जैसा कुछ होगा देखी जाओगी। जयंत के साथ है इस बार? हाँ जी। विधायक जी कैसे रहे वैसे? विधायक से दिल लेगा नहीं रहा, किसी को दिखा ही नहीं कहीं कहाँ गया कहाँ रहा है। 4.5 साल में आपके विधायक जी? ना जी यहाँ कोई, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं आया, तो बदलाव चाहते हैं वहाँ पर? हाँ जी चाह रहे, हम तो चाहे ना हो। सुरेश। सुरेश जी कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल? भाई जैसा ही बता रहे वैसा ही रहा, और बता रहे और बढ़िया तो नहीं रहा, वही रहा। कैसा रहा फिर? खराब रहा। क्या क्या खराबी हुई है? सारी खराबी रही बस, ना भाव मिला ना कुछ मिला। उम्मीद तो आप लोगों ने भाजपा को जिताया था पहले, नहीं जिताया था? हाँ नहीं उम्मीद तो थी, पर करा तो नहीं, खड़ी नहीं उतर पाई ना। कौन खड़ा उतरेगा फिर? युवका जयंत उतरेगा। कौन खड़ा उतरेगा अंकल जी? जयंत को वोट देंगे, जयंत को ही वोट देंगे, वो खड़ा है पहले से भी, आगे भी खड़ा ही रहेगा, उसके फादर भी उसके दादा भी सब खड़े रहते हुए आए, ये हमारी भूल थी जो आप कहना चाह रहे हैं, उसका उत्तर पहले दे दिया, ये मेरी भूल थी कि हमने भाजपा को वोट दिया। पहले आप सभी लोग समर्थन में थे भाजपा के? मैं तो कह तो रहा समर्थन में थे, जब तो बनी, जब तो इतनी वोट मिली उसे, जब तो सरकार बनी उनकी, समर्थन में क्या पसंद आया था उस समय भाजपा में? उस वक्त जयंत का मामला जिसका थोड़ा गड़बड़ा रहा था, तो लोगों ने सोचा भाई इसे देख लो, नए आदमी है नया कुछ करेगा, लेकिन प्रॉब्लम इतनी मोटी खड़ी होगी जैसा कि आवारा पशु, भाव न बढ़ना, हमारी ट्वेल वेल जैसे ये लोग हैं इनकी देखो, दो दो तीन तीन बार ट्वेल में चोरी कर ली। अच्छा तो भाई वही वही हो रहा है जो कुछ भी, चुनावी वादे थे भाजपा किसी पे खरी उतरी नहीं? उतरी नहीं, मेरे हिसाब से तो उतरी नहीं, कोई नहीं उतरी ना। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी का तो मुझे पता ही नहीं, न मैं देखा न वो आता, करना तो बहुत दूर की, जो आवेगा जब तो कुछ करेगा, आता ही नहीं, कभी नहीं आते ना। विधायक जी आते हैं? नहीं। नाम पता है विधायक जी का?
नाम को तो कहाँ का रिश्तेदारी कार्ड नहीं हम तो पता होना चाहिए, 5 साल में विधायक जी का नाम तो पता नाम कोई बता तो नाम तो जी भी बतावांगा भाजपा खराब बिल्कुल कंडम छबर 12 पार्टी नहीं मारी चोरी चकारी बंद हो गई है ये बच्चे इसी की खुली बलवान सिंह की भैंस खुली भाई तो कौन सही रहेगा फिर आपके पास अजीत अजीत जी हाँ गठबंधन जो आ रहा है हाँ मेरा नाम बिट्टू बालियान बिट्टू जी कैसी रही भाजपा सरकार अच्छी रही जो राम को लाया हूँ उन्हें लाएंगे राम मंदिर जो बनाया हाँ भाजपा को लाएंगे फिर भी भगवा फहराएंगे विधायक जी कैसे रहे आपका विधायक जी तो वैसे विधायक जी का तो कार्यकाल ठीक से ना लेकिन भाजपा सही रही हाँ भाजपा सही है योगी जी आओगे योगी जी आएंगे सपा में गठबंधन में क्या दिक्कत है जैन के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं नहीं हम जाएंगे हम तो जो विश मलिक आ जाएगा वो विश मलिक को ही वोट देंगे चाहे सही राव ना राव जी नहीं मैं तो कोई काम ही नहीं पड़ता हम तो इतने सक्षम है खुद हो जा कोई दिक्कत नहीं किसान है आप किसानों को भी कोई समस्या नहीं हुई सरकार में हाँ जी हम तो संजीव बालियान जी के साथ है अपने मंत्री जी के हमने छोड़ के जाने के ना कहीं भी नीरज कुमार नीरज जी भाजपा कैसी लगी बढ़िया लगी कैसे भाई जो सारे काम बढ़िया करे भाजपा ने सपा बढ़िया नहीं करेगी ना 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 बसपा पीछे भी नहीं करी पीछे भी नहीं करी सपा ने तो बढ़िया बसपा ने बसपा ठीक रही बसपा ठीक रही फिर भी हाँ तो भाजपा ही क्यों पसंद है भाजपा नु पसंद है बस कोई कहीं खुला घूमो गुंडागर्दी खत्म है गुंडागर्दी खत्म है कोई लड़की कहीं भी जाओ कुछ भी करो पहले कैसा माहौल रहता था पहले तो लड़की का पता ही नहीं था करो वापसी आओगी नहीं आओगी अपना तो पता नहीं था यह है भाजपा ठीक जी आपका मुकेश कुमार जी क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं नजदीक कौन होना चाहिए भाजपा को 2000 वोट मिलेगी गाँव में से आप बताओ कौन सही रहेगा भाई जिसकी सरकार है वही सही है नहीं भाजपा कैसी रही भाजपा सही रही अंकित महाजा सपा की आ जाए फिर क्या होगा झगड़े में हाँ भाजपा होगी इसलिए भाजपा आएगी हाँ भाजपा होगी बहुत वोट मेरा नाम अंकित चौधरी अंकित जी कैसी लगी सरकार युवा है आप रोजगार मिल रहा है नहीं मिल पा रहा सरकार अच्छी है वैसे कोई दिक्कत नहीं है पर थोड़ा सा एक दिक्कत है क्या थोड़े से 2016 के बच्चे हैं ऐसा ही है उसमें खुद मेरा भाई भी है और भी बच्चे हैं थोड़ा सा उसके बारे में अगर सरकार सोच ले भाई बच्चे अब तक बेरोजगार है भर्तियां नहीं निकली 4.5 साल में कोई 4.5 साल में भर्तियां बहुत हुई पर जो बच्चे रोजगार है किसी का ऐसा ही में सिलेक्शन हुआ है वह है और कुछ का दूसरी भी भर्ती में सिलेक्शन था उसने वो छोड़ के उसमें हो गया वो तो उधर से वो छुट गई इधर से ये अभी इसका डिसीजन नहीं दे रही सरकार थोड़ा सा रोजगार पर थोड़ा सा रोजगार की समस्या रही है बस ओवरऑल ओवरऑल सही है सपा सर भाजपा बीजेपी सपा जाएगी तो क्या हो जाएगा सपा है मैं फिर वे दंगे फसाद भाजपा में नहीं होते नहीं बसपा बसपा भी नहीं कोई सरकार अच्छी नहीं बस सब भाजपा अच्छा धर्मवीर सिंह धर्मवीर जी चुनाव आ रहे हैं क्या लगता है कौन सी पार्टी सही रहेगी हम तो लोकदल कह देंगे लोकदल को देंगे क्यों देंगे लोकदल को हमारा काम बैठा करके शहर का गंदे का भाग देगी शहर भाग देगी इन्होंने 5 साल में कह रहे बताए बताओ तुम कुछ नहीं बता रही है पैसा बाजे बाजे दो मिल का दे नहीं रही मिल क्यों कहते हैं पेमेंट 15 दिन में जाती है बस रंबाड़ वाली मिल को जाकर पूछो क्या हाल है पिछले साल का भी नहीं भाई किसानों से भी बात कर रहा था रंबाड़ी मिल का वो कह रहे हैं कि डंगरों की भी समस्या है कुछ नहीं यहाँ तो है डंगर योगी मोदी फिर आई है भाग्य इन्हें कहा लेकर जाएंगे हम ये खेत सारा खा गए जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो आप लोग भाग गए थे तब भी लोकदल के साथ ही थे आप नहीं जी पीछे गलते क्यों जी जी हमें अच्छा सरकार लगे थी सारी बात थी लेकिन जिसके कारण हमें देख कर बिड़ियन लगे हमें मुझे नहीं आया सरकार नहीं मेरा नाम अनंत कुमार है जी अनंत जी चुनाव आ रहे हैं क्या लगता है कौन सी पार्टी सही रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा उचित है क्या काम किया है भाजपा ने भाजपा ने रोजगार मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा युवाओं को रोजगार बढ़िया मिल रहा है गुंडागर्दी नहीं है अपना खेत में बढ़िया ढाल काम करें पहले समस्या थी कोई बहुत समस्या थी पहले ट्रोली छोड़ जाते आदमी आ जाते उल्टे भेज देते थे इडाल का जंगल है हमारा हम ट्रोली छोड़ जावा करने कोई समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं बिल्कुल विधायक जी कैसे रहे आपके विधायक जी अच्छे रहे बिल्कुल कराया काम कुछ क्षेत्र में अपने बहुत कुछ करा एबीबी गढ़ोंचे का भी काम करवा एक आपका अनिल बालियान अनिल जी चुनाव नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे लगातार
राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं जी, कौन सी पार्टी सही रहेगी आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो भाजपा सही रहेगी। भाजपा क्यों सही रहेगी? आदमी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सुरक्षा, वो सुरक्षा दी है। और महंगाई रोजगार की कोई समस्या नहीं है सरकार में? वो सभी सरकार में, कोई सरकार पकड़ के नौकरी नहीं देती, वही मेहनत करो नौकरी पाओ। भाजपा में कोई समस्या नहीं रही आपको? भाजपा बेहतर है? समस्या तो है, उससे बेहतर है। क्या समस्या है वैसे? समस्या तो जैसे रोजगार की तो है ही, महंगाई भी बड़ी है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुरक्षा सबसे ऊपर है और होनी भी चाहिए, आदमी सुरक्षित है तो पैसे का। सरकार में क्या माहौल हुआ करता था? सपा की सरकार में माहौल माहौल ये होता था, शाहपुर गैस एजेंसी के सामने मोटरसाइकिल घुस जाती थी, दिन छुपे मोटरसाइकिल खोस लेते थे वहाँ रोक कर, चोरी बदमाशी ज़्यादा थी, भैंस खोल ले जाते घर में थी, तो उस चीज़ से तो रात है। मान लिया जितनी बचत कम है उस टाइम में, बचत ज़्यादा होती तो उतने मान लिया कोई एक जोटा खोल लिया गया 1,00,000 रुपये का, तो बराबर हो गया नहीं औसत। और अब चोरी नहीं होती, अब चोरी नहीं होती, महंगाई भले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, महंगाई तो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम खा लो। और विधायक जी कैसे रहे आपको? विधायक साहब एरिया संतुष्ट है नहीं? संतुष्ट नहीं है, विकास कार्य नहीं कराया कभी? ठेली वाले तो पैसे ले रहा, ठेली वाले तो पैसे ले रहे हैं विधायक जी आप? हाँ जी, ठेली वाले तो पैसे ले रहे हैं बाजार में, ठेली वाले 17,00,000 विधायक है। तो विधायक जी ऐसे ही है, सुनने में तो ऐसा ही है। धर्मपाल वाल यार, धर्मपाल जी ये तो कह रहे हैं भाजपा सही रही? नहीं, भाजपा सही नहीं रही। क्यों नहीं रही? सारे काम गलत कर रही। हाँ। सब गलत काम कर रही। क्या गलत काम कर रही? चौथा दिन नहीं उतरता इसकी सरकार में, जितने ट्वेल एक गवर्नमेंट के 25 ट्वेलों के स्टार्टर उतरे हैं। ये तो कहते हैं लूटपाट खत्म हो गई, बहुत ज्यादा हो रही। या तो ट्वेलों पे इतनी हो रही अकबे तुकी, कम से कम चुमा ये ब्लॉक को 15 बार हो लिए वो स्टार्टर उतरने के। अच्छा, तो कौन सी पार्टी सही रहेगी फिर? हम तो लोकदल के हैं। लोकदल को देंगे? लोकदल को देंगे, मतलब सपा गठबंधन जो हो रहा है। हां, ट्यूबवेल नहीं, इनकी कहां पटकी? लोकदल को देंगे। हां जी, क्या लगता है? वही बोले। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है शेर सिंह। शेर सिंह जी, कैसी रही शेर सिंह के अनुसार सरकार? यह सरकार बहुत बढ़िया है। और ये लोग झूठ बोले, 500 रुपए किराए के आदमी है लोक दल के, पैसे लेगा रैली में जावे और खाना खावे आलू कचौरी। हमारे गांव के जेली मारे हुए भी आलू कचौरी में इन्हें खुआ रहे। तो लोक दल वालों को 1,000 रुपए दे देंगे? तो नहीं, 500 रुपए क्या लेंगे किसी से? बीजेपी आओगी 350। बीजेपी क्यों आएगी? बढ़िया काम करवा रखे। ये तो कह रहे मोटरें चोरी हो रही, सड़क बन गई, मोटर इनकी ट्वेली नहीं, जिप चोरी कहाँ तो होगी? पता तो चल रहा होगा ना मोटर खूब चोरी हो रही है। नहीं, इनका ट्वेल तो नहीं, कहाँ से चोरी हो जाएगी? जैसे आप लोग, आप इनके आस पड़ोस के लोग होंगे तो चोरी हुई होगी। अरे वे तो सरकारी ट्वेल पाड़ ली, क्या होया केवल पेल ताड़ ली, उसका तो पटी है ना, मतलब चोरी तो हुई है ना। हाँ, तो फिर भाजपा कैसे सही रही? भाजपा, अच्छा एक चोरी को ऊपर भाजपा को रोक देंगे? भाजपा ने इतने बढ़िया काम करवा रखे, सड़क बनवा दी, सारे बदमाश मार दिए, अरे सबको बढ़िया साहब तो कानून बन गया। शाहपुर कुकुरी घूमे हो पहले, जाओ थे शाहपुर? नहीं जाते थे? नहीं, दिन में लूट रहे थे। विधायक जी कैसे रहे? इवरात को 12 बजे जाओ, 2,00,000 ले। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी तो ठीक है, सांसद हमारे बहुत बढ़िया संजय बाल्यान जी। विधायक जी के बारे में बताओ आप, चुनाव विधायक है अभी? विधायक तो हम दूसरा बदलेंगे, दूसरा लाऊंगे, राम कुमार से उसको लाऊंगे। इनमें क्या दिक्कत हो गई उमेश मलिक? ये थोड़ा लालची किस्म का है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।